आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रेशर कुकर में खिला खिला बासमती चावल बनाने की टिप। जितना चावल आप बनाना चाहते हैं उसे कप, कटोरी या फिर ग्लास से नाप लें, एक से दो बार अच्छे से धो लें। धोने के बाद इस चावल को डालें प्रेशर कुकर में। दिस टिप इज ब्रॉट टू यू बाय मिस्टर कुक फ्रॉम द हाउस ऑफ यूनाइटेड मेटालिक। चावल पूरी तरह से प्रेशर कुकर में डालने के बाद जिस बर्तन से आपने चावल नापा था उसे 1.5 टाइम्स यानी डेढ़ गुना पानी डालें। अगर आप डबल पानी डाल देंगे तो आपका चावल खिला खिला नहीं बनेगा, जबकि आप डबल पानी डालकर भी बना ही सकते हैं। फिर डालें थोड़ा सा नमक और ये चीज जरूर डालें, ये है घी। इससे चावल खिला भी बनेगा और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट बनेगा। इसके बाद प्रेशर कुकर को रखें गैस पर और तेज आंच पर केवल एक सीटी आने के बाद बंद कर दें। प्रेशर रिलीज हो जाने के बाद ढक्कन खोलें और साइड से अंदर की तरफ एक पलटे या फिर करछी से हल्के से चावल को मिक्स करें। इस तरह से आप खिला खिला परफेक्ट बासमती चावल बिना कढ़ाई के सीधे प्रेशर कुकर में बना सकते हैं।